अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के एग्जाम मई में होने वाले हैं। उसी से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स का आप लोगों का पेपर पैटर्न है, और सिर्फ पेपर पैटर्न नहीं, वीडियो की ड्यूरेशन देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि पेपर पैटर्न सिर्फ डिस्कस नहीं हुआ, काफी चीजें इसमें डिस्कस हुई नहीं है। तो मैंने वीडियो में चैप्टर्स का ऑप्शन डाला हुआ, चैप्टर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां पे वो टाइम आ रहा होता है ना वहीं पे चैप्टर्स का ऑप्शन होता है। तो काफी सेक्शन है इस वीडियो के, आपको जो पसंद आए आप उस पर क्लिक करना, वो वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। एंड पे मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी डिस्कस की हुई है, सेकेंड ईयर का किया हुआ है, तो कंबाइंड वीडियो है ये। जो आपका रिलेटेड टॉपिक है आप उस पर क्लिक करना, वो वाली वीडियो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, एक ऑनलाइन कोर्स है जो मैं पहले कभी भी मैंने नहीं करवाया, इस दफा मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट किया है। वो ये कि सप्ली वाले बच्चे हैं जो सप्ली देना चाह रहे हैं, या जो इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं लेकिन उन्होंने इतना खास पढ़ा नहीं है, या वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल अभी तक तफरी की है। ये कैटेगरी तो आपको पता रहती है। तो वो अब कुछ टाइम में पेपर अपना क्लियर करना चाह रहे हैं। तो ये जो मैं एक्सट्रीम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ, ये तकरीबन 1.5 महीने का होगा, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो पेपर में बस पास होना चाहते हैं, मतलब 50-60 नंबर लेके बेसिक पास होके वो आगे जाना चाह रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ। इंशाल्लाह एक दो दिन में वीडियो आ जाएगी, उसकी डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगी। तो वो उन स्टूडेंट्स को टारगेट करेगा कि जो पास होना चाहते हैं। इसी तरह एक और कोर्स है, एमसीक्यूज का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। वो एमसीक्यूज का कोर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का होगा। वो एमसीक्यूज का कोर्स आपको बोर्ड में भी काफी हेल्प करेगा, और स्पेसिफिकली जो मेरा फोकस है वो ई कैट का है, कि आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं उसमें एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए भी वो कोर्स मेनली मेरा टॉपिक, मेरा जो एड्रेस, जो मैं कोशिश है ना मेरी, वो ये कि उसमें ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं जो आपको ई कैट में काफी हेल्प करेंगे। तो अभी बोर्ड एग्जाम में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, और ई कैट में भी काफी हेल्प मिलेगी। उससे रिलेटेड भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, अभी अपलोड होगी, कि वो कब कोर्स स्टार्ट हो रहा है, किस तरह कोर्स होगा, फीस क्या होगी, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों के एग्जाम की। तो एग्जाम में आप लोगों की मार्किंग स्कीम इस दफा क्या है कि 20 मार्क्स जो हैं वो सेक्शन ए के, मतलब एमसीक्यूज के, जो 40 मार्क्स हैं वो सेक्शन नंबर बी के शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो 40 मार्क्स हैं वो लॉन्ग के लिए हैं, मतलब सेक्शन सी के लिए लॉन्ग जो है उसके 40 मार्क्स हैं। तो 20, 40, 40 इस तरीके से आपके 100 मार्क्स जो है वो डिवाइड हुए हैं। रही बात कि यार टाइम कितना मिलेगा, तो भाई जो 20 मिनट होते हैं 20 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, टोटल 3 घंटे होते हैं ना, तो 20 मिनट तो आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, बाकी जो 160 मिनट्स हैं वो आपने डिवाइड करना है सेक्शन बी और सेक्शन नंबर सी में। देखो सेक्शन नंबर बी में ये फर्स्ट सेकंड ईयर के कंबाइन है, दोनों के लिए ये बात वैलिड है, कि जो सेक्शन नंबर बी जो है उसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक जो शॉर्ट है वो 6-7 मिनट में एवरेज हो जाता है आसानी से। तो अगर आप लोग 10 शॉर्ट करने, तकरीबन 70 मिनट जो है वो आप इसके लिए रख दो, पीछे बचेंगे 90 मिनट्स। 5 लॉन्ग आपको करने हैं, तो आप ये समझ लो कि तकरीबन एक लॉन्ग जो है वो 10-12 मिनट के अंदर हो ही जाता है। तो अगर आपको 5 करने हैं तो तकरीबन 60 मिनट आप लगा लो लॉन्ग के लिए, 60-65 मिनट, तो पीछे आपके पास 25-30 मिनट बचेंगे, वो एंड पे होंगे। मैथ के पेपर में इतना टाइम का इशू होता नहीं है नॉर्मली बच्चों को, तो एंड पे जो 20-25 मिनट बचेंगे आपके पास, उसमें आप थोड़ा चेक कर लेना, रोल नंबर देख लेना, कोई गलती तो नहीं की हुई, बस एक स्कैन कर लेना अपना कि कोई गलती मिस्टेक कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, नंबरिंग देख लेना। तो इस तरीके से आप आसानी से टाइम मैनेज कर सकते हो। अच्छा, अब रही बात कुछ टिप्स की, वो टिप्स भी मैं देना चाहूंगा, उसके बाद हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। वो टिप्स मैं यहाँ पे क्या देना चाह रहा हूँ, मैंने अपने पास लिखी हुई है, कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो बच्चे गलती करते हैं वो ये कि सब क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, कुछ स्किप नहीं करना क्वेश्चन। आमतौर पर लोग एमसीक्यूज नहीं आ रहे थे तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट ही नहीं करते, भाई तुक्का लगा दो। तुक्का लगाने का भी तरीका होता है, अगर आप मेरे चैनल पर जाओ तो एक प्लेलिस्ट है अदर वीडियोज के नाम से, उसमें कुछ 3-4 वीडियोज है रेलिवेंट के, एग्जाम किस तरह अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज किस तरह करने, उनको भी खास तौर पर देख लेना आप लोग जाके। तो पेपर में कुछ स्किप नहीं करना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो बेहतर आपको जहन में आ रहा है, जो फॉर्मुला आपको जहन में आ रहा है लिख दो, जो सॉल्यूशन जहन में आ रहा है वो कर दो, स्किप ना करो क्वेश्चन। 20 एमसीक्यूज, 10 शॉर्ट, 5 लॉन्ग आपने लाजमी करना है, कुछ स्किप नहीं करना, बैठे रहो 3 घंटे तक, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ चीजें जहन में आ जाएंगी, तो स्किप ना करो क्वेश्चन। दूसरी बात क्या है कि जो बेस्ट क्वेश्चन आपको आते हैं कोशिश करो पहले उनको अटेम्प्ट करो, टाइम भी आपका कम जाया होगा, क्योंकि जिनमें आप फंस रहे हो उन पे टाइम भी काफी लगाओगे, प्लस एक इंप्रेशन बहुत बड़ा पड़ता है कि स्टार्टिंग पेपर में आपने 3-4 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो वो एक इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, और इंप्रेशन मैटर कर रहा होता है, उन क्वेश्चन में मैटर करता है जिसमें आपकी मिस्टेक है। तो अगर आपका इंप्रेशन अच्छा है तो शायद थोड़ा आपको ज्यादा नंबर मिल जाए, अगर इंप्रेशन खराब हो शायद 1-2 नंबर मिल रहे हो, तो इंप्रेशन मैटर करता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको आपने पहले करना है, टाइम भी आपका कम जाया होगा, आप फॉरन बेस्ट क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आपके जहन में होगा यार कि ये 2 क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे तो मैंने 2 क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाना है। तो बेस्ट पहले करो, जो अटक रहे हैं फिर उन पे आप देख लो उस हिसाब से, जितना आपके पास टाइम है आप सोचो और उनको जो भी आपको जहन में आ रहा है आप उसको सॉल्व कर दोगे।
अच्छा ऐसे स्टूडेंट जिनके क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल शॉर्ट में 14 क्वेश्चंस है और आपको 13 क्वेश्चंस आते हैं तो अटेम्प्ट तो आपको 10 ही करने हैं, चॉइस करने का कोई फायदा नहीं होगा, जो शुरू के 10 होंगे वो एक्सेप्ट होंगे। तो जो 10 आपने अटेम्प्ट करने हैं ना, कोशिश करना, अगर बिलफर्ज आपको 12-13 आते हैं, जिनको तो 10 आते हैं उनके पास तो कोई और चॉइस नहीं है ना, जिनको 12-13 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें से 12-13 में से वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना जो या तो आपको रट्टा मारा हुआ हो, मतलब बिल्कुल याद हो आपको कि यार ये क्वेश्चन मैंने किया था, इसका सॉल्यूशन ये है, मुझे आता है पूरा, तो या वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। दूसरी कैटेगरी वो है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिनको आप वेरीफाई कर सको, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सको या खुद वेरीफाई कर सको, जैसे इंटीग्रेशन के सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है, मैट्रिसेस का कैलकुलेटर में सॉल्व हो सकता है, ये आप लोग बेहतर जानते हो। तो जिन सवालों को वेरीफाई कर सको, क्योंकि अगर आपने वेरीफाई कर लिया सवाल तो खत्म, मैथ में कोई प्रेजेंटेशन की मिस्टेक थोड़ी ना निकालेंगे आपकी, वो बहुत ही अलग केस हो सकता है जिसमें आपने दो स्टेप में क्वेश्चन किया हुआ। नॉर्मली अगर आपका सॉल्यूशन ठीक है तो आपको 5 नंबर 4 नंबर फुल मिलेंगे। तो अगर आप जिनको जिन सवालों को वेरीफाई कर लो, दैट्स इट, आपको कोई मसला नहीं होगा उनके अंदर, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती उसके अंदर। तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो वेरीफाई कर सको, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको पक्के आते हैं। तो अगर 13 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10 वो अटेम्प्ट करना जो बेस्ट आपको आते हैं, जिनको वेरीफाई कर सकते हो, तो काफी चीज आपके काम आएगी। उसके बाद वही अगला पॉइंट प्रेजेंटेशन का था कि मैथ के अंदर प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन की नंबरिंग सही लिखी हुई हो, सेंटर में आप मार्कर से नंबरिंग लिख दो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 प्रॉपर लिखो। इस तरह जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश करो डाटा बना लो, ठीक है, जो गिवन है आपको, जो फाइंड करना है, और फिर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के सॉल्व कर लो, और जो एंड पे आपके आंसर आ रहा है, रिजल्ट की हेडिंग बना के आप लिख दो कि ये फलाना आपका आंसर आ गया। तो बेस्ट तरीका तो ये होता है। इसी तरीके से जो आप स्टेप कर रहे हो स्किप ना करो। एक होते हैं बच्चों वाले स्टेप, वो तो आप स्किप कर सकते हो, एक होते हैं मेन स्टेप, आपने उनको स्किप कर दिया। इसी तरह कुछ सवालों में टर्निंग पॉइंट मतलब मेन चीज होती है, उसके बाद आप सेंस करके बताते हो कि सेंस दिस देयरफॉर ये होगा, तो उन वर्डिंग्स को मिक्स क्या कहते हैं मिस ना करो, लाजमी उनको लिखो जो मेन चीज है जिसके मुताबिक आप सॉल्यूशन कर रहे होगे। फालतू वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो बेसिक सी वर्डिंग है जो जरूरत है कि भाई ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर देयरफॉर उसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो जो इंपॉर्टेंट वर्डिंग है वो लाजमी लिखना। स्टेप्स आपके थोड़े खुले खुले हों, गिचमिच एक दूसरे के अंदर नहीं घुसा देना कि वो पेपर पूरा कंजस्टेड है, नंबर देने की भी टीचर को जगह नहीं मिल रही, तो कंजस्टेड ना करना, थोड़ा खुला करना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दो दो लाइन छोड़ के आप कर रहे हो। तो ऐसा पेपर करना जो अगले को समझ आ जाए, विजिबल हो, मसला ना हो, काटा पीटी ज्यादा ना की हुई आपने, अगर कोई सॉल्यूशन गलत हो गया तो एक लाइन मार दो और नेक्स्ट लिख दो। सबूत मिटाने की कोशिश नहीं करना कि बार बार आप लाइन लगा के सबूत मिटा रहे हो क्या लिखा था मैंने, तो इस तरह कुछ आप करो तो काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा जी, पेपर से पहले एक इंपॉर्टेंट, बच्चे कैलकुलेटर भूल जाते हैं। मैं अपने कितने एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में नहीं लेकिन मिड टर्म्स एग्जाम में कैलकुलेटर भूल जाया करता था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कोशिश करना कि रात में अपना बैग सेट कर लेना, कैलकुलेटर पेन इंक विंक सब चीजें चेक कर लेना कि पूरी है नहीं, क्योंकि एंड पे अगर ये चीजें आपकी मिस हो जाए ना तो अगर आपको पेपर भी आता है फिर भी आप भूल सकते हो। तो कोशिश करना अपना बैग प्रॉपर सेट करके जाना, तो काफी आपको फायदा होगा। अच्छा, एमसीक्यूज पे लाजमी फोकस करना। एमसीक्यू से बच्चे फोकस नहीं कर रहे होते, वो कोशिश करते हैं कि बस एंड पे हम देखेंगे पास पेपर के एमसीक्यू करके चले जाएंगे। वो हर पेपर में गलती की होती है, सिर्फ मैथ की नहीं, बाकी पेपर्स के एमसीक्यूज में भी गलती की होती है। हालांकि अगर आप देखो 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब 20% आपके पेपर का एमसीक्यूज है, तो आप उसको हल्का लोगे तो वो फिर मसला हो जाएगा। तो एमसीक्यूज लाजमी आपने प्रॉपर ध्यान देना, प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करोगे, बहुत से जराए होते हैं भाई। सबसे पहले तो पास पेपर्स है ना, पास 15 ईयर जो भी है उनके आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। फिर दूसरा जरा ये होता है कि अगर आपको कॉलेज के पेपर्स मिल जाए, नॉर्मली एंड पे कॉलेज के पेपर्स हो रहे होते हैं, सेंटर के पेपर्स हो रहे होते हैं, जहां से आपको मिले उसके एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाओ। और मजीद अगर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो ई कैट की बुक्स होती हैं, अगर आपके पास टाइम है। अब ये एंड पे तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन शुरू से अगर आप करते हुए आ रहे हो तो ई कैट की बुक्स हैं, बेसिक सी आपको मार्केट में मिल जाती हैं, बड़े बहन भाई भी हो उनके एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाओ चैप्टर वाइज। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर की तो बुक में एमसीक्यूज मौजूद है, जो न्यू बुक आई है उसमें रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज मौजूद है, उन एमसीक्यूज को आप सॉल्व करोगे। इसी तरह मैंने भी, अगर आप देखो यूट्यूब पे, पास पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, ई कैट के भी सॉल्व करवाए हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। न्यू बुक के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन आप एटलीस्ट आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो जहां से आपको एमसीक्यूज मिल रहा है बस प्रिपरेशन करो, दैट्स इट, सीख जाओगे। थ्योरी आपको आनी चाहिए, फॉर्मुले आपको आने चाहिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो तो इंशाल्लाह आपको हेल्प हो जाएगी। और वही आखिरी पॉइंट, क्वेश्चन स्किप नहीं करना, जो मैंने पहले भी बताया। अब आज बच्चों सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद हम सेकंड ईयर का डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न डिस्कस करने के बाद मैं कुछ स्ट्रेटजीज भी आपको बता दूंगा, उस पर भी हम जरा देख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ईयर मैथ की अगर बात की जाए तो कॉमन चीज क्या है फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, कि आपको सेक्शन नंबर बी में 20 एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर ए की बात करते हैं, मैंने इसे सेक्शन बी बोला है, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं। सेक्शन ए के अंदर आपको 20 एमसीक्यूज मिल रहे होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन का नाम होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा,
तो 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 मार्क्स का सेक्शन होगा, ठीक है, और 20 मिनट आपको मिलेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब आ जाओ सेक्शन नंबर बी के ऊपर। सेक्शन नंबर बी जो है बच्चों वो शॉर्ट का सेक्शन होगा, इसके 40 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन, पार्ट टू, अप टू 14 पार्ट होंगे। मतलब यहां पे आपको अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन नंबर टू के 10 पार्ट आउट ऑफ 14। 14 पार्ट आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। 10 मतलब 40 मार्क्स का सेक्शन है, उसका मतलब एक शॉर्ट के चार नंबर है, तो चार नंबर का एक शॉर्ट होगा, तो 10 शॉर्ट जो है वो 40 नंबर के बन जाएंगे, और आपको अटेम्प्ट करने 10 में से 14। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पुराने में रिस्ट्रिक्शन भी हुआ करती थी पुराने पैटर्न में, कि आप इस सेक्शन बी में भी सब सेक्शन होते थे ना, इस दफा कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी पसंद के कोई भी 14 क्वेश्चन में से 10 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं जरा डिवाइड आप लोगों को बता देता हूं, ये जो मैं बताने लगा हूं 90-95% यही होगा। हल्की फुल्की चेंजिंग हो सकती है कि किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, दूसरे से आ जाए, हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन 90% यही चीज होगी जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। वो क्या है कि जो 14 क्वेश्चन आते हैं वो कहां कहां से आते हैं, तो भाई जो चैप्टर नंबर 2 है उससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, और जो चैप्टर नंबर 12 है उससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में 12 चैप्टर्स हैं, तो इन 2 चैप्टर से शॉर्ट में 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन तो इनसे बन जाएंगे। जो बाकी 10 क्वेश्चन है ना वो बाकी 10 चैप्टर से बनेंगे। बाकी 10 चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये जो बाकी 10 चैप्टर है ना इन सब में से एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब इन सब में से एक क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन ईच, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन बन रहा होगा। तो 10 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, 4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, तो टोटल 14 क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आएंगे। अब आपकी मर्जी है, अब सवाल यह है कि कौन से चैप्टर में से कहां से क्वेश्चन आएंगे, किस एक्सरसाइज में से आएंगे। देखो अब ये तो आप नहीं बता सकते, लॉन्ग का तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नॉर्मली जो एंड की एक्सरसाइज होती है वहां से लॉन्ग बन रहा होता है। शॉर्ट के लिए हर एक्सरसाइज तकरीबन फेवरेट होती है, हर एक्सरसाइज में आपको ऐसे सवाल मिल ही जाते हैं जो शॉर्ट में आ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा सिलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करना, इंपॉर्टेंट पेपर गया। मैं भी एक कैटेगरी बताऊंगा जब ये पेपर पैटर्न डिस्कस कर लूंगा, चलो बाद में इसको डिस्कस करते हैं, फिलहाल रहने दो। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि इन चैप्टर से ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे, टोटल 14 क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी 10 आपको अटेम्प्ट करने होंगे इसमें। फिर आप आ जाओ सेक्शन नंबर सी के ऊपर। सेक्शन नंबर सी जो है बच्चों इसमें आपके होंगे टोटल 40 मार्क्स, ठीक है। इस जो क्वेश्चन की हेडिंग होगी वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको यहां पे अटेम्प्ट करने होंगे 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7, 2 की चॉइस है। 7 क्वेश्चन दिए होंगे जिनकी नंबरिंग इस तरीके से होगी, मैं पहली बता रहा हूं नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे समझेंगे यहां से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पार्ट होंगे सारे, तो जब नंबरिंग डालो तो ध्यान से डालना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, इस तरह लॉन्ग में ये सारी नंबरिंग हो रही होगी, 3 से स्टार्ट होगी। तो सवाल है कि कहां कहां से आते हैं, तो भाई एक सवाल अब मैटर करता है क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 7 का भी हो सकता है। मैं अंदाजन लिख रहा हूं कि यहां पे पहला क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो सकता है, वो मैं नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो 7 क्वेश्चन है ये किन किन चैप्टर से आएंगे। तो कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा, ठीक है, अब वो क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी एक क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 2 से आता होगा, और चैप्टर नंबर 2 में भी जो एंड की एक्सरसाइज है ना 2.6 उसी में से आने के चांसेस है, वो क्योंकि 8 नंबर का है ना, 5 आपको अटेम्प्ट करने, तो एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो जो 2.6 है वो फेवरेट है क्योंकि आपको बड़ा क्वेश्चन चाहिए, तो 2.6 से ही नॉर्मली मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, तो 2.6 से आपके पास एक क्वेश्चन बन रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है लॉन्ग में वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। अब चैप्टर नंबर 3 में कौन से एक्सरसाइज है, अगर आप मॉडल पेपर में देखो 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आया हुआ है, क्यों मुझे नाम नंबरिंग उसकी याद रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली छुड़वा दिया जाता है। आप मेजोरिटी टीचर्स को देखो जो यूट्यूब पे भी है और वैसे सेंटर में भी आप देखोगे जो न्यू बुक है उसमें 3.1 के जो एंड के क्वेश्चन है नॉर्मली टीचर छुड़वा रहे हैं उसको, हालांकि उसका एक क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर आया हुआ है, लॉन्ग के अंदर अहमियत डबल हो जाती है, 4 का शॉर्ट है तो 8 नंबर का लॉन्ग है, तो क्वेश्चन नंबर 15 मॉडल पेपर में उन्होंने लॉन्ग में दिया है, वो 3.1 का एंड का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि बाकी 3 चैप्टर को देखो ना उनके क्वेश्चन लॉन्ग की औकात है नहीं, 3.1 के जो एंड के क्वेश्चन है ना उनकी थोड़ी बहुत औकात है, क्वेश्चन नंबर 14-15 की, क्या वो चलो लॉन्ग में आ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन की शॉर्ट में औकात बनती है, लॉन्ग में इतनी औकात नहीं बन रही होती, तो दैट्स व्हाई उन्होंने मॉडल पेपर में 8 नंबर के अंदर वो दिया हुआ था। बहरहाल ये वाई चैप्टर है जिसकी शुरू की एक्सरसाइज से लॉन्ग आ रहा है, वैसे एंड की एक्सरसाइज से ही लॉन्ग आ रहा होता है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर जो 6 है उससे लॉन्ग आ रहा होता है, 6 प्रोबेबिलिटी जो आखिरी एक्सरसाइज आएगा 6.4 है, प्रोबेबिलिटी से आपको सवाल दे देंगे, शुरू की एक्सरसाइज से नॉर्मली लॉन्ग बनता नहीं है, इतनी उनकी सवाल इतने बड़े बड़े नहीं होते, उनसे शॉर्ट नॉर्मली दे देते हैं, 6.5 ये सब देखो नॉर्मली मैं बोल रहा हूं,
एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, कुछ भी सवाल हटके दे सकते हैं, मे भी चैप्टर नंबर टू का ना दे, चैप्टर वन का दे दें इसकी जगह, चैप्टर वन की जो एंड की एक्सरसाइज है 1.3 उससे बन सकता है लॉन्ग वैसे, मे भी वो दे दें। तो मैंने कहा था 90% लग सक ही लगेगा आपका, 100% भी लग सकता है, लेकिन हल्की फुल्की चेंजिंग हो सकती है। पत्थर पे लकीर नहीं है कि चैप्टर टू का लाजमी आएगा, चैप्टर वन में 1.3 का भी आ सकता है, उसकी लेंथ है 8 नंबर आने के लिए, तो जहन में आपके होना चाहिए। तो चैप्टर सिक्स में जो एंड की एक्सरसाइज है नॉर्मली 6.4 उसी से दे रहे होते हैं। इसी तरह जो चैप्टर नंबर सेवन पे, चैप्टर सेवन की भी जो एंड की एक्सरसाइज आएगा 7.3 है, उससे वो दे रहे होंगे बायनोमियल सीरीज का। फिर जो आपका पांचवा क्वेश्चन होगा वो आएगा चैप्टर नंबर एट से, चैप्टर नंबर एट से भी अगेन जो एंड की एक्सरसाइज है 8.4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उससे वो दे देंगे। अब देखो वेरिएशन हो सकती है, चैप्टर एट का ना दे, चैप्टर वन का सवाल दे दें, हल्का फुल्का हो सकता था। इसी तरह जो छठा क्वेश्चन है वो आएगा चैप्टर नंबर 10 से, चैप्टर नंबर 10 में भी जो एंड की एक्सरसाइज है 10.4 उसमें कोई एक दो सवाल, दो तीन सवाल हैं जो ढंग के हैं, जो आ सकते हैं, लेंथ उनकी अच्छी है, बाकी चैप्टर में 10 में देखो इतनी ऐसा लेंथ नहीं है। अच्छा कोई डेरिवेशन भी आ सकती है, अगर आप चैप्टर 10 में देखो फंडामेंटल लॉ है तो वो भी डेरिवेशन, फंडामेंटल लॉ एक बड़ी डेरिवेशन है पूरी, वो भी आपको दे सकते हैं इसके अंदर, मुझे तो नहीं पता ना। इसलिए चैप्टर नंबर 11 में डेरिवेशन थी लॉ ऑफ साइन कोसाइन, तो वो भी आ सकती है, लॉ ऑफ साइन थोड़ी है अच्छी डेरिवेशन। तो कहने का मतलब हल्की फुल्की वेरिएशन डिफरेंट हो सकती है, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि क्या सवाल वो दे रहे होंगे। अच्छा और जो आखिरी सवाल है वो चैप्टर नंबर 12 से आता है, चैप्टर नंबर 12 में भी बॉयल्ड पेपर में भी 12.5 से आया था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे होते हो। अब अगर एक बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, जब प्रॉपर सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन सेट लिखना भी उसका एक हुनर होता है पूरा, तो उससे आपको उन्होंने लॉन्ग दिया हुआ। शुरू की एक्सरसाइज में से मेरे जहन में नहीं कोई ऐसा बड़ा सवाल हो, मे भी हो, मेरे जहन में नहीं आ रहा कोई बड़ा सवाल चैप्टर नंबर 12 में, वो 12.5 से ही दे रहे होंगे आपको। तो मैंने एक्सरसाइज भी बता दी मोस्ट लाइकली जिनसे आपके सवाल पेपर में बन रहे होंगे। ये एक बेसिक पेपर पैटर्न है पूरा, मैंने डिस्कस कर दिया। अब आ जाओ स्ट्रेटेजीज के ऊपर। स्ट्रेटेजी का मतलब भाई जो ऐसा स्टूडेंट है जिसकी तैयारी पूरी हुई भी है, तैयारी पूरी होने का मतलब कि यार उसके 8-9 चैप्टर उसने कर लिए हैं, बाकी 2-3 रह गए तो 1.5 महीने में हो जाएंगे भाई, आपको स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, बस पेपर पैटर्न आपने देख लिया, दैट्स इट, जो आपको बेस्ट क्वेश्चन आते होंगे वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया, जिनको 2-3 चैप्टर आते हैं, 4-5 चैप्टर आते हैं, कच्चे पक्के आते हैं, तो मैं उनको जरा मेरे मुखातिब वो है कि यार मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पेपर में पास होना है, और पास होने का मतलब तकरीबन 60 नंबर की आपने तैयारी करनी है, ये नहीं कि 40 नंबर की तैयारी कर रहे हो आप, तो फिर वो हल्का फुल्का हो गया तो फिर तो आप गए। तो 60 नंबर की तैयारी आप मिनिमम, मैं रिकमेंड करूंगा कि 60 नंबर की तैयारी तो आपने करनी है। इंपॉर्टेंट पेपर गेस्ट पेपर से बेहतर है सिलेक्टिव चैप्टर्स करो, अगर आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस करोगे ना फंस सकते हो कि इंपॉर्टेंट, देखो कुछ तो एक्सरसाइज होती है जिसमें सिलेक्टिव सेंस भी बनती है, फर्स्ट ईयर में मेरे जहन में इतनी नहीं क्योंकि बुक चेंज होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा ना हो कि हर एक्सरसाइज में से 3-4 क्वेश्चन आपने किए हो, आपको किसी ने बता दिया हो कि भाई एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन किए हो, एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन हो, और मे बी उन 2 क्वेश्चन में से ना आए, फंस जाओगे आप। तो कोशिश करो फोकस करो चैप्टर्स के ऊपर, मेजॉरिटी केसेस में ये बात वैलिड है, चैप्टर्स के ऊपर करो। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें फालतू क्वेश्चन होते हैं, मेरे जहन में आपको ऐसा एग्जांपल आ नहीं रही, वो तो जिस टीचर से आप पढ़ोगे जो चैप्टर को करवा रहा होगा, तो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, सेकंड ईयर की तो काफी जहन में, फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है तो मेरे जहन में आ नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसे एक्सरसाइज हो सकते हैं जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। लेकिन मेनली मैं आपको एक पूरा रूल बता रहा हूं कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस ना करो, सिलेक्टिव चैप्टर्स पे जाओ कि यार उन चैप्टर में से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से अटेम्प्ट कर लो, वरना सिलेक्टिव क्वेश्चंस करोगे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होंगे, या हर चैप्टर अगर आपने किया हुआ होगा काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट होंगे, एंड पे हर सवाल में गलती कर रहे होगे। तो कम चैप्टर्स करो लेकिन पक्के करो कि उन सवाल अगर पेपर में आए तो 5 नंबर या 4 नंबर या 8 नंबर पूरे आपको मिले। तो मिनिमम कैटेगरी है कि यार इन चैप्टर्स को आपने करना है वरना फिर आप खतरे के अंदर हो। वो मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 7, 10। 12 में से भाई मैं बोलूंगा कि 5 चैप्टर्स आपने करने लाजमी। ये मैंने कौन से 5 सेलेक्ट किए, कोई और टीचर अलग 5 भी आपको बता सकते हैं, 5-6 चैप्टर आपने करने, वो डिपेंड करता है हर टीचर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में ये चैप्टर जो है ये इनकी वेटेज भी अच्छी है और ये बच्चों को इजी भी लगेंगे, तो अब उनको समझ जाती है ये 5 चैप्टर आपने करने करने अगर आप पेपर में पास होने के लिए जा रहे हो, तो ये पेपर में तकरीबन इनकी वेटेज 60-65 नंबर की तकरीबन वेटेज है इनकी, तो इसकी आपने तैयारी करनी है। थोड़े मुश्किल सवाल भी आ गए तो 50-55 नंबर आपके इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। अब ये चैप्टर मैंने क्यों सेलेक्ट किए हैं भाई, इनमें से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें लॉन्ग का सवाल बन रहा है, मतलब चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग आ रहा है, 3 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 10 से आ रहा है, और ये वो चैप्टर है जो इतने मुश्किल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का बच्चों को तंग करता है, अब अगर आप वो स्टूडेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो यार मैं कहूंगा चैप्टर 6 कर लो। तो हर स्टूडेंट पर डिपेंड करता है ना उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये आपने खुद बैठ के डिसाइड करना है। चैप्टर 12 मुश्किल चैप्टर है, एक कॉन्सेप्ट है, 12.5 एक मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन मे बी आपने 12 बड़े अच्छा समझा हुआ तो 12.5 आप कर लो, आपका लॉन्ग निकल सकता है। तो कहने का मतलब ये वैरी करता है स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन जनरली
बात करो तो प्रोबेबिलिटी बच्चों को मुश्किल लगती है, 12 बच्चों को मुश्किल लगता है तो मैंने स्किप करवाया। जहां तक मैं चैप्टर 8 की, चैप्टर 8 आप कर सकते हो, चैप्टर 8 में जो एंड की एक्सरसाइज है उससे ही लॉन्ग आपका बनेगा। शुरू की एक्सरसाइज में से बन तो सकता है वैसे 8.2 में या 8.1 में, मुश्किल है लेकिन ज्यादा चांसेस है कि 8.4 से वो बना के दे रहे होंगे। अब यार एक्सेप्शन आ सकती है, चांसेस की बात ही हम कर सकते हैं क्योंकि जब आप सिलेक्टिव कर रहे हो तो फिर रिस्क होता है आपका। तभी मैंने कहा 65 की तैयारी करोगे तो 50% आओगे, तो 8.4 फेवरेट। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 8.4 भी कर सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, ग्राफ का सवाल है आप कर सकते हो, लॉन्ग में सवाल आया है वो, इतना मुश्किल नहीं आपको लगेगा तो ये कर लो। तो जो मैंने चार चैप्टर पिक किए ना, 2.4 से सवाल आएगा, 2.6 से आएगा लाजमी, लॉन्ग बनेगा। इसी तरह 7 चैप्टर में एंड की एक्सरसाइज से बन रहा होगा क्योंकि शुरू की एक्सरसाइज में शॉर्ट दे देते हैं वो। चैप्टर नंबर 10 में भी एंड की एक्सरसाइज से बनेगा, शुरू की एक्सरसाइज में कुछ खास वैल्यू नहीं है ना, प्रूफ करवा रहे हो आप। तो ये जो चार चैप्टर है, सीधा 3 में मैं रहता बता दिए, 3.1 के एंड के क्वेश्चन फेवरेट है, वॉल पेपर में उन्होंने दिए हैं, लेकिन हल्की फुल्की चेंजिंग हो सकती है। मे भी 3 की जगह चैप्टर नंबर 1 में 1.3 का वो दे दें आपको, ये भी आ सकती है वेरिएशन। तो खैर बेसिक अगर बात करें तो ये चार चैप्टर से चार लॉन्ग तो आपके निकल रहे हैं, एक लॉन्ग 8 नंबर के, तो 32 तो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, सही है। मिस ऐप हो सकता है, 19-20 हो सकता है, मे भी 3 निकल जाए, लेकिन एक मैं एवरेज की बात बता रहा हूँ कि 32 अगर अच्छा पेपर आए 32 तो आपके निकल जाएंगे। अब रही बात शॉर्ट आपके कितने निकलेंगे, तो इससे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, इससे आपके पास दो आएंगे, इससे एक आएगा, इससे एक आएगा, इससे एक आएगा। तो अगर आप शॉर्ट देखो तो आपके 6 शॉर्ट यहाँ पे निकल रहे हैं, एक शॉर्ट 4 नंबर का है तो 6 के हो जाएंगे 24। अगर आप 24 और 32 को ऐड करो 56 बन रहा है। इतने चैप्टर करने के बाद 10 एमसीक्यूज तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज इन 5 चैप्टर्स की सॉल्व कर लो तो उससे आप आसानी से पेपर में 10 एमसीक्यूज तो ठीक कर ही लोगे। तो ये टोटल बन जाएंगे 66 की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, 65-66 की आप तैयारी करोगे। मिनिमम कैटेगरी है, इससे कम पे नहीं जाना, इन चैप्टर्स को लाजमी करो। और जो मैं अभी बैच स्टार्ट करने वाला हूँ सप्ली वाले बच्चों के लिए 1.5 महीने में जो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो ये मैं 5 चैप्टर ही कंप्लीट करवाऊंगा। अगर टाइम बचा तो चलो एक्स्ट्रा कुछ हम देख लेंगे टॉपिक, वरना मेनली हमारा फोकस होगा कि 5 चैप्टर हमने करना है। तो ये मिनिमम है, इतना आपने करना है अगर आप अपनी बेहतरी चाह रहे हो, पेपर में क्लियर होना चाह रहे हो। मैंने आपको वजह भी बता दी। अब अगर हल्की फुल्की चेंजिंग हो गई तो 66 है ना, 56 पे आ जाओगे, 50 से नीचे नहीं जाओगे। अगर आपने 5 चैप्टर कर लिए तो 50 से ऊपर लाजमी नंबर आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इतना पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं कर नहीं पाओगे। इन 5 चैप्टर की आसानी से वेटेज बनेगी 50-60 नंबर की। तो ये आपकी कैटेगरी, इन 5 चैप्टर्स आपके पास 1.5-2 महीने है, अभी कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा हुआ होगा ना, तो इन 5 चैप्टर्स पर फोकस करो। सारा फोकस आपका एंड पे होना चाहिए। लॉन्ग आपको पता है एंड की एक्सरसाइज से बन रहे होते हैं, शॉर्ट शुरू की एक्सरसाइज से बन रहे होते हैं, तो फोकस आपका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट 5 चैप्टर्स के होंगे, याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा। प्रैक्टिस अच्छी करोगे 50-60 आसानी से आ जाएंगे, पास हो जाओगे। अब जितना गुड़ डालो उतना अच्छा। अगर आपके पास मजीद टाइम है आप चैप्टर नंबर 12 कर लो, वो भी 12.5 नॉर्मली लॉन्ग में बन रही होगी, तो उससे 8 नंबर आपके और आ जाएंगे, तो 5 तो आपके लॉन्ग पूरे कवर हो जाएंगे। फिर आप शॉर्ट पे आ जाओ, शॉर्ट पे आपको जो अच्छा चैप्टर लगता है इसके अलावा उसके आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 में जो एंड की एक्सरसाइज है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने की, उसका टॉपिक भी बहुत मुश्किल नहीं है। इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप समझ सको तो चैप्टर नंबर 9 की एंड की एक्सरसाइज समझ लो। वो भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं, वर्ड प्रॉब्लम थोड़े बड़े हैं। मॉडल पेपर में अगर आप देखो तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिए हुए थे, आखिरी एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन दिए हुए थे, तो आपके बारे में वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मॉडल पेपर में वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिए हुए थे, आपको फंक्शन पूरे और इनइक्वालिटीज बना के दी हुई थी। तो हो सके तो चैप्टर नंबर 9 आप देख सकते हो, तो आपका एक और शॉर्ट निकल जाएगा। इसी तरह चाहो तो चैप्टर 12 कर लो, चैप्टर 12 करना अगर पूरा चैप्टर 12 कर लो बहुत अच्छी बात है, दो आपके निकल जाएंगे शॉर्ट, एक निकल जाएगा लॉन्ग, और क्या चाहिए आपको इसके अंदर। तो जितना गुड़ डालते जाओ बेस्ट होता जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आप चैप्टर 12 भी कर लो ना, इन 5 के बाद आप अगर चैप्टर 12 कर लो तो आपका कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, 8 नंबर शॉर्ट में और 8 नंबर लॉन्ग में, 16 नंबर। तो 66 के अंदर अगर आप 16 डालो इसके अंदर तो ये 82 बन जाएगा, और 3 एमसीक्यूज भी तो निकलेंगे ना इसके अंदर से, तो 84-85 की तैयारी आपकी हो जाएगी सिर्फ चैप्टर नंबर 12 करने से। फिर अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल चैप्टर 8 कर लेते हो तो एक शॉर्ट इससे निकल जाएगा, चैप्टर नंबर 9 कर लेते हो एक और शॉर्ट निकल जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत मुश्किल नहीं है, आपसे हो सकता है और गुड़ डाल दो आप। चैप्टर 11 कर लोगे, चैप्टर 8 कर लोगे, चैप्टर 9 कर लोगे, 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे शॉर्ट के, मतलब 12 नंबर, तो ये हो जाएगा 97, 3 एमसीक्यू लगा लो 100। तो उसका मतलब आपने चैप्टर नंबर 4 भी नहीं किया, आपने चैप्टर नंबर 5 भी नहीं किया, आपने चैप्टर नंबर 6 भी नहीं किया, और इन 3 चैप्टर्स को छोड़ने के बाद भी आप 100 के लिए जा रहे हो। तो कहने का मतलब मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न बता दिया, आप खुद खेल सकते हो, जो आपको बेस्ट लगता है आप देखो उसके मुताबिक आप कर लो। शॉर्ट में अब मैं भी नहीं बता सकता कौन सी एक्सरसाइज से आएगा, हर ही एक्सरसाइज शॉर्ट में तकरीबन फेवरेट होती है, 4 नंबर में तकरीबन सवाल बन जाते हैं। तो ये मेरा काम था बच्चों बताना, मैंने डिटेल में बता दिया, कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना।
उसके बाद सेकंड ईयर मैथ पे आ जाओ, सेकंड ईयर मैथ का पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं, फिर कुछ स्ट्रेटेजीज देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 100 नंबर का पेपर डिवाइड किस तरह होता है तीन सेक्शन के अंदर। पहला सेक्शन आपको नजर आएगा सेक्शन नंबर ए, ये सेक्शन जो है इसके कितने मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। इसके अंदर आएगा क्या, क्वेश्चन नंबर वन होगा और क्वेश्चन नंबर वन के अंदर 20 एमसीक्यूज होंगे, आपने सॉल्व करने होंगे, 20 मिनट होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये एमसीक्यूज की प्रिपरेशन मैंने पहले ही बताई किस तरीके से आप लोगों ने करनी है, हल्का मत समझना कि तो ये 20 एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। फिर आप आ जाओ सेक्शन नंबर बी के ऊपर। सेक्शन नंबर बी जो है वो बच्चों शॉर्ट का होगा, इस सेक्शन से आपके 40 मार्क्स कवर होंगे। अब सवाल ये कि सेक्शन के अंदर होगा क्या, इस सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर टू के नाम से। ये नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे समझते हैं जो लॉन्ग है ना उनके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट होते हैं, तो बच्चे समझते हैं लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो नंबरिंग नेमिंग करने में सॉरी वो नंबर मेंशन करने में ना गलती कर देते हैं और ये नंबर भी कट सकते हैं आपके इस पे। तो नंबर सवाल का प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर बी जो है उसमें जो सवाल आता है वो क्वेश्चन नंबर टू के नाम से होता है। अब क्वेश्चन नंबर टू के मजीद 14 पार्ट होते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर टू के यहाँ पे 14 पार्ट होंगे, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे 10 out of 14। पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी सेक्शन नंबर बी के अंदर भी सब सेक्शन बनाए जाते थे, आपको होता था इस सब सेक्शन से इतने करने इससे इतने करने, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 14 क्वेश्चंस होंगे जो पसंद के आपको लगते हैं उसमें से 10 आप अटेम्प्ट कर लोगे यहाँ पे। और मैंने शुरू में बताया था स्ट्रेटेजी टिप्स क्या होंगी कि जो बेस्ट एमसीक्यूज आते हैं जिनको वेरीफाई कर सकते हो, सॉरी जो बेस्ट आपको क्वेश्चन आते हैं जिनको वेरीफाई कर सकते हो वो आपने अटेम्प्ट करने 10 यहाँ पे। अब सवाल लेके 10 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बन रहे होंगे, क्या इन्होंने पूरा डिवाइड किया है, तो जो पार्ट नंबर वन है और जो पार्ट नंबर टू है वो चैप्टर नंबर वन से बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं कि पार्ट वन पार्ट टू बन रहा होगा, मे बी जो पार्ट 10 है पार्ट 11 है वो चैप्टर नंबर वन से बन रहा है। मैं एक अंदाजन आपको बात कर रहा हूं कि दो पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर वन से बनते हैं, ठीक है। इसी तरह जो दो पार्ट है पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर फोर वो चैप्टर नंबर टू से बनेंगे, सही है। इसी तरीके से पार्ट नंबर फाइव पार्ट नंबर सिक्स चैप्टर नंबर थ्री से बनेंगे, इसी तरह पार्ट नंबर सेवन पार्ट नंबर एट जो है ये बनेंगे चैप्टर नंबर फोर से, इसी तरह पार्ट नंबर नाइन जो है वो बनेगा चैप्टर नंबर फाइव से, पार्ट नंबर टेन जो है वो बनेगा चैप्टर नंबर सिक्स से, इसी तरह पार्ट नंबर इलेवन जो है वो बनेगा चैप्टर नंबर सेवन से। अच्छा जी, अच्छा पार्ट नंबर ट्वेल्व जो होगा और पार्ट नंबर थर्टीन जो है वो बनेगा चैप्टर नंबर एट से, और आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर फोर्टीन वो बनेगा चैप्टर नंबर नाइन से। अब सवाल है कि इन चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज से आएंगे, अभी मैं आगे आप लोगों को स्ट्रेटेजीज बताऊंगा उसमें भी ये बात क्लियर करूंगा, तो बेहतर है रुक जाओ बाद में हम जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो ये टोटल 14 क्वेश्चंस हैं जो इन 9 चैप्टर्स से आएंगे, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 इन चार चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इन 5 चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो आपके चार चैप्टर बचे हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन आ रहा होगा शॉर्ट के अंदर। अब जरा पहले लॉन्ग में डिस्कस करते हैं फिर बाकी चीजें देखते हैं। जो सेक्शन सी है बच्चों इसके कितने हैं, अगेन 40 मार्क्स हैं। सवाल है कि इनमें नेमिंग क्या होगी, भाई क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये इसकी नेमिंग होंगी। अब सवाल है कि इसमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, भाई टोटल 7 क्वेश्चन है तो आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7, टोटल 7 क्वेश्चन ये बन रहे हैं, आपको इसमें से 5 जो भी पसंद किया। अभी तक बोर्ड वालों ने कंपलसरी का कुछ नहीं बताया हुआ और चांसेस यही कंपलसरी नहीं होगा क्योंकि सब जिनसे मेरी बात हुई टीचर से कंपलसरी इस दफा कुछ भी नहीं है, आपको कोई भाई मुझे ना पकड़ लेना अगर कोई आ गया कंपलसरी क्वेश्चन, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं चांसेस नहीं है कंपलसरी आने के। 7 क्वेश्चन है, अपनी पसंद के कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब सवाल है कि किस चैप्टर से बनते हैं, भाई एक क्वेश्चन जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से बनेगा, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से बनेगा, एक क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 5 से, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से 2 क्वेश्चन बन रहे होंगे तो चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह चैप्टर नंबर 7 से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 8 से आएगा। अब हल्की फुल्की वेरिएशन हो सकती है, मुझे नहीं पकड़ लेना कि सर ये आपने क्या बोला था, चांसेस कम है क्योंकि आपके पास इसके अलावा चैप्टर बचे नहीं है। 4 जो है 4 के शॉर्ट में बन जाते हैं, मे बी 4 का कोई सवाल जैसे 4.4 का एंड का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मे बी चैप्टर नंबर 7 के बजाय चैप्टर नंबर 4 का वो वाला सवाल आ जाए, वो 8 नंबर के अंदर आ सकता है। बाकी चैप्टर 1 का कोई सवाल लॉन्ग के अंदर नहीं है, चैप्टर नंबर 9 का कोई सवाल लॉन्ग के अंदर नहीं है, लॉन्ग के अंदर इन्हीं चैप्टर से सवाल होंगे। हल्की फुल्की वेरिएशन हो सकती है भाई, ये 100% नहीं लगेगा, कोई हल्का फुल्का हो सकता है, मे बी चैप्टर नंबर 1 का एक ही सवाल आए और चैप्टर नंबर 6 के 2 सवाल आ जाए, मैं एक अंदाजन बात कर रहा हूं, 90% तो यही लगेगा, हल्का फुल्का वेरी हो सकता है, तो ये ध्यान में होना चाहिए आपको, कोई पत्थर पर लकीर नहीं कि यही होगा पूरा। अब सवाल है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही होती है, भाई चैप्टर 2 चैप्टर नंबर 3, अब एक्सरसाइज की जरा बात करते हैं।
एक्सरसाइजेस यार ध्यान में रखना कि हर एक्सरसाइज में से हर सवाल नहीं आता, कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसमें से आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस करो। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता सिलेक्टिव क्वेश्चंस पे, मैं कहता हूँ टाइम कम है सिलेक्टिव चैप्टर्स करो, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे चैप्टर नंबर वन है, चैप्टर नंबर वन में सवाल एक क्वेश्चन जो है वो 1.1 से आता है शॉर्ट के अंदर, और एक क्वेश्चन होता है 1.6-1.7 का कंबाइन, तो दो क्वेश्चन बन रहे होते हैं। 1.1 में सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8 आई गेस है, उसके बाद एक और इवन फंक्शन कंपोजिट फंक्शन वाला जो है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन है 1.1 में जो पेपर में आते हैं। तो आपको मैं नहीं कह रहा कि पूरे 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करो जो 1.1 के अंदर मौजूद है। इसी तरह तो 1.16 सवाल आएगा और 1.6-1.76 सवाल आएगा इसमें। इस तरह चैप्टर 2-3 की बात करो तो भाई इसमें कुछ नहीं पता, चैप्टर 2 की 5वीं एक्सरसाइज में सारे ऐसे सवाल मौजूद हैं जिनसे कोई भी आ सकता है, और इन सब एक्सरसाइज में से स्किप मैं रिकमेंड करूंगा ना करो। सब एक्सरसाइज में से शायद एक एक दो दो क्वेश्चन को ऐसे हों कि जो फालतू हों, प्रूफ टाइप के हों या वैल्यूज वाले ना हों, वो शायद पेपर में ना आए, वरना सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 की हर एक्सरसाइज में से फेवरेट है। अब अगर आपको कोई टीचर इंपॉर्टेंट लिख के दे रहा है वो रिस्क ले रहा है, मैं बता रहा हूँ, वो कहां से देगा, पास पेपर से दे रहा है वो, लेकिन हर दफा पास पेपर नहीं लगता, सवाल पास पेपर से हटके भी आ सकते हैं, तो जहन में रखना रिस्क होता है। अगर आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस करोगे रिस्क होगा, तो मैं रिकमेंड अभी एंड पे करूंगा आपको कि अगर आपके पास टाइम कम है तो क्या स्ट्रेटेजी आपने बनानी है, उसमें सिलेक्टिव चैप्टर्स पे फोकस करेंगे बजाय कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस पे करें, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अभी। तो चैप्टर 2 की 5 एक्सरसाइज में से कोई भी दो सवाल आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2.2, 2.3, 2.5 ये फेवरेट होती है ज्यादातर शॉर्ट लॉन्ग के अंदर, लेकिन 2.1 से लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है, 2.3 से भी वो शॉर्ट लॉन्ग बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं 2.3 में भी जिनसे शॉर्ट लॉन्ग बन सकते हैं, चांसेस कम है लेकिन आई गेस बन सकते हैं। जो एक मॉडल पेपर आया है शायद उसमें चैप्टर नंबर 2.3 का शायद एक सवाल मौजूद है लॉन्ग के अंदर, मैं एग्जैक्ट अगर मुझे याद नहीं है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है 2.3 से भी लॉन्ग दे सकते हैं, चांसेस कम है लेकिन बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आएगा ना तो कोई भी एक एक्सरसाइज से लॉन्ग दे देंगे, हर एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं। इसलिए चैप्टर नंबर 3 की 3 एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन शॉर्ट में आएंगे, 1 क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, तो 3.1, 3.3 से शायद शॉर्ट में आ जाए और 3.2 से लॉन्ग में आ जाए, क्योंकि 3.3 में ऐसे कोई क्वेश्चन है नहीं, एक क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा है जो लॉन्ग में आ सकता है, आखिरी क्वेश्चन वैसे इतने हैं नहीं, तो ज्यादातर प्रॉब्ली 3.2 या 3.1 से ही लॉन्ग में आएगा, उसमें भी 3.2 से ज्यादा चांसेस है लॉन्ग में आने के लिए। बहरहाल तीनों एक्सरसाइज में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग कहीं ना कहीं बन जाएंगे तीनों एक्सरसाइज में से, अगेन सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं है इसमें, आप ज्यादातर मेजोरिटी क्वेश्चन को आपको करना ही है, रिस्क नहीं लेना आपने, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के 2 क्वेश्चन कौन से आते हैं, चैप्टर 4 में 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला, वो आता है लाजमी, तो उसकी सही तरह तैयारी कर लो, पास पेपर्स में देख लो क्या क्या फंक्शन आ चुके हैं, बुक के जो फंक्शन है उनको सॉल्व कर लो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला जो है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आता है 4.2, 4.3, 4.4 के कंबाइन 2-3 फंक्शन आपको दे देंगे, उनको आपने डिफरेंशिएट करना होगा, आई गेस 2 फंक्शन देंगे उसमें से 1 फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। बाकी ये सवाल लॉन्ग के अंदर भी फेवरेट है कि लॉन्ग के अंदर आपको चैप्टर 4 के अंदर कोई भी 3 फंक्शन दे दें और उनको डिफरेंशिएट करने को बोल दें, वैसे तो मॉडल पेपर में नहीं है लेकिन आ सकता है, मैं पहले बता रहा हूं आपको, तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों में बन सकता है चैप्टर 4 का सवाल। अब इसमें भी कुछ छोड़ने नहीं है, हाँ 4.1 में बेसिक सवाल है, वो अगर आपने पूरा चैप्टर कर लिया तो वो आप स्किप कर सकते हो, बेसिक से सवाल है, बाकी 4.2, 4.3 में वैसे इतने सवाल नहीं है तो आपको लाजमी करने हैं सारे सब 4.4 तक। चैप्टर नंबर 5 में 5.2 से फेवरेट है शॉर्ट आना, जो अप्रोक्सीमेट वाले सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5.1 से सवाल शुरू का आ सकता है शॉर्ट के अंदर, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है बिल्कुल वहां से भी, और जहां तक 5.3 की बात है वो लॉन्ग में आती है। 5.3 के अंदर 2 किस्म के सवाल है, या तो फंक्शन गिवन होता है आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है, या वर्ड प्रॉब्लम है, तो किसी में से भी लॉन्ग में वो सवाल बन सकता है, तो 5.3 से लॉन्ग में ही आएगा, 5.1, 2 में ऐसे सवाल ही नहीं जो लॉन्ग में आ सके, तो 5.3 लॉन्ग में, बाकी 5.2 या 5.1 जो है उससे एक शॉर्ट बन जाएगा। जहां तक चैप्टर 6 की है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 का नॉर्मली पहले वाले पैटर्न में जब शॉर्ट में आता था तो 6.10, 6.11 से आता था, उसमें ऐसे क्वेश्चन है शॉर्ट के 4 नंबर के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इस दफा कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता, 6.1, 6.3 सब एक्सरसाइज में से ऐसे क्वेश्चन है जो 4 नंबर के अंदर आ सकते हैं, तो इसकी मैं गारंटी नहीं आपको दे सकता। हाँ, जो चैप्टर 6 के 2 लॉन्ग आ रहे हैं ना उसमें से मैं ये बता सकता हूं 6.5 से लाजमी आएगा एक लॉन्ग, क्योंकि 6.5 में जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर के लिए प्रॉपर है, 6.1, 6.3 में भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, 6.7 या 6.5 ये 2 एक्सरसाइज है जिसमें बड़े क्वेश्चन है, 6.9 में भी बड़े क्वेश्चन है केस 2 केस 3 के, लेकिन वो नॉर्मली पुराने जमाने में दिए नहीं जाते थे, मे बी इस दफा केस 2 या केस 3 का सवाल आ जाए, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है बिल्कुल। तो लॉन्ग के अंदर 6.5, 6.7 में से लाजमी एक सवाल तो आएगा, ये तो लिखवा लो आप, तो 8 नंबर तो मैंने आपको बता दिए कि 6.5, 6.7 से एक लाजमी वो लॉन्ग आपको दे रहे होंगे, दूसरा लॉन्ग या डिफरेंट हो सकता है, मे बी एक सवाल दे जिसके 2-3 पार्ट हो जिसमें से 2 करने हो,
चार चार नंबर के हों, इस तरह भी लॉन्ग बना के दे सकते हैं। लेकिन 6.5, 6.7 से लाजमी आएगा, ये लिखवा लो, या तो एक क्वेश्चन बनेगा या दो दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके सवाल हैं जो लॉन्ग के अंदर पूरे फिट बैठते हैं। तो बाकी 6.3 में ऐसा नहीं है, 6.9 की मैंने बताया उनसे आ सकते हैं, बाकी 6.10, 11 शॉर्ट में भी वो आपको दे दें, लॉन्ग में इतनी फेवरेट नहीं है, तो शॉर्ट में वो फेवरेट है आने के लिए। तो अब ये चांसेस ही हैं, स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको थोड़ा देखना समझ आ जाएगी बात। चैप्टर नंबर 7 की जहां तक बात की जाए, दो ही एक्सरसाइज है, 7.3 में थ्योरम है, वो तो इतने दे नहीं दे होते हैं। तो अब दो एक्सरसाइज है, एक से लॉन्ग बनेगा, एक से शॉर्ट बनेगा। मोस्ट प्रॉब्ली 7.2 में ऐसे क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आते हैं, क्योंकि 7.2 के मेजोरिटी ऐसे क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए नहीं है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो शॉर्ट में अगर वो देंगे तो 7.1 से दे रहे होंगे, और लॉन्ग में वो आपको 7.2 से दे रहे होंगे, मैक्सिमम चांसेस यही है, वरना 7.1 में कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं मेरे जहन में। एक तो है सरकम सेंटर में जिसमें थोड़ी इक्वेशंस बन रही हैं, आ सकते हैं लॉन्ग के अंदर, ठीक है, ज्यादातर 7.2 और लॉन्ग को लॉन्ग में प्रेफर कर रहे होंगे। चैप्टर 8 के अंदर चार एक्सरसाइज है, ये मैं बता दूं कि 8.2 लाजमी आएगी शॉर्ट के अंदर, इतना मैं बता सकता हूं, 8.2 लाजमी शॉर्ट के अंदर आएगी। इन दो क्वेश्चन में से 8.2 में से लाजमी एक सवाल होगा, बाकी दूसरा सवाल 8.1 से हो सकता है या अभी भी 8.3 से हो जाए। 8.4 नॉर्मली लॉन्ग के लिए रखी जाती है, 8.4 लॉन्ग में रखेंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन 8.2 का होगा, एक जो क्वेश्चन है वो 8.1 से भी हो सकता है, 8.3 से भी हो सकता है, दोनों एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है जो शॉर्ट के अंदर आ सकते हैं, बाकी आपको देख लेना। चैप्टर नंबर 9 के अंदर 9.5, 9.6, 9.7 यही फेवरेट है, इसी से शॉर्ट दे रहे होते हैं, एक ही चार नंबर की औकात है चैप्टर नंबर 9 की, एक क्वेश्चन वो ज्यादातर इसी से देंगे, या मे बी 9.3 का कोई सवाल देते हैं रेजोल्यूशन वाला, उसके चांसेस बहुत कम है। 9.1 में डायरेक्शन कोसाइन वाला है तो, लेकिन कम चांसेस है, क्योंकि जब आपने एक क्वेश्चन देना होता है तो फिर आप अच्छा क्वेश्चन देते हो। तो 9.5, 6, 7 में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वर्क डन का सवाल जो है 9.7 के अंदर वो फेवरेट है शॉर्ट के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है 9.5, 6, 7 में। अब जैसे 9.7 है उसमें सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन वर्क डन वाले जो है वो नॉर्मली दे रहे होते हैं, एक और क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन वो आज तक आया नहीं है, लेकिन रिस्क अगर आप ले रहे हो तो दो क्वेश्चन उसके अंदर कर लो। 9.5, 6 में तो खैर आपने सारी करने पूरे। तो ये बच्चों पूरा है, लॉन्ग के अंदर मैंने बता दिया क्या आएगा, शॉर्ट के अंदर बता दिया क्या आएगा। अच्छा, अब सवाल ये कि भाई जिनकी तैयारी तो पूरी है, 100% जिनकी तैयारी है, जिन्होंने मैक्सिमम 7-8 चैप्टर कर लिए हैं और 1.5 महीने के अंदर एक दो कर लें खत्म, उनको तो कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया, या जिन्होंने पूरे साल पढ़ा लेकिन तफरी की है, या जो सप्ली के पेपर दे रहे हैं उन्होंने बस पेपर अपना क्लियर करना है, तो मिनिमम ऐसे कौन से चैप्टर्स होंगे जिससे आपका पेपर क्लियर होगा? तो मैं रिकमेंड करूंगा पेपर में आपने 60 नंबर के लिए जाना है, 60 से 65 नंबर की आपने तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि मिसहैप हो सकता है, आप नर्वस हो सकते हो, 60-65 नंबर की तैयारी करोगे तो 50-55 आ जाएंगे। तो जो अभी मैं कोर्स स्टार्ट करने लगा हूं उसमें भी जो मैं चैप्टर्स करवाऊंगा, ये 5 चैप्टर्स है जो मैं करवाऊंगा, शुरू के 5 चैप्टर, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर अगर आप कर लो तो आप इन 5 चैप्टर की वेटेज पेपर में 65-70 नंबर की है। कैसे भाई? चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, इससे तो आपके 3 लॉन्ग निकल रहे हैं ना, 2, 3, 5, 3 लॉन्ग आपके निकल जाएंगे, मतलब कितने नंबर? 24 नंबर। रही बात शॉर्ट कितने निकलेंगे, तो 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, तो 8 और 5 से 1 लॉन्ग शॉर्ट आएगा, तो टोटल 9 शॉर्ट आपके निकल रहे हैं, एक शॉर्ट 4 नंबर का होता है, तो उसके बाद 36 आपके यहां से निकल रहे हैं, तो ये हो गया 60, बाकी 10 नंबर इतने चैप्टर करोगे जाहिर सी बात है तो आपको 10 एमसीक्यूज तो हो ही जाएंगे, तो टोटल 70 नंबर की तैयारी है। मैं रिकमेंड करूंगा इसी के लिए आपने जाना है। मैं अपने जो सप्ली वाले भी बच्चे होंगे जो कोर्स स्टार्ट करने लगा उसमें 5 चैप्टर ही करवाऊंगा, ये 70 नंबर है। अगर आप पास भी होना चाहते हो मैं रिकमेंड करूंगा इन चैप्टर्स को लाजमी करो। अगर आप कहते हो कि सर ये भी मुश्किल है इसमें से हम क्या स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 70 नंबर्स की तैयारी है, हमें इतना बता दें कि बस पेपर पास करना है, टाइम बहुत ही कम है, तो मैं कहूंगा चैप्टर 3 को स्किप कर दो और उसकी जगह क्या कर लो, 7.1 कर लो, क्योंकि 7.1 से या तो सवाल यहां पे कवर हो जाएगा या यहां पे कवर हो जाएगा, और 7.1 समझना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा 8.2 आप कर सकते हो, लेकिन 8.2 समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इलिप्स है, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन 8.2 भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप इसलिए अगर चैप्टर 3 छोड़ोगे ना तो नुकसान क्या होगा, 2 आपके शॉर्ट निकल गए, 1 आपका लॉन्ग निकल गया, मतलब 16 मार्क्स निकाल लो, पहले 70 की तैयारी कर रहे थे, अब तकरीबन 20 मार्क्स निकाल लो, क्योंकि एमसीक्यूज भी मिस होंगे ना, तो आप 50 की तैयारी करोगे, तो रिस्क है इसके अंदर। तो कवर करने के लिए 7.1 आप कर लो, 4 नंबर आपके यहां से निकल जाएंगे। मजीद अगर आपने करना है चैप्टर नंबर 9 में 9.5, 6, 7 कर लो, बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, 4 नंबर आपके यहां से निकल जाएंगे। और ऐसी कोई एक्सरसाइज है नहीं जो मैं बताऊं जो आप आसानी से कर लो,
चैप्टर 6 है, 6.10.11, लेकिन हो सकती है तो बेस्ट है, वो देख लो। तो कहने का मतलब अगर आप मिनिमम कैटेगरी की बात कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 5 चैप्टर कर लो यार, ये 5 चैप्टर कर लो, लेकिन और ये मैं 5 चैप्टर करवाऊंगा भी। लेकिन अगर इससे भी आपका गिरा हुआ लेवल है, क्योंकि चैप्टर 3 थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, 3.1, 3.2 और 3.2 खास तौर पर मुश्किल है, तो अगर ये मुश्किल लग रहा है मैं कहूंगा अगर ये नहीं करना चाह रहे, अगर टाइम कम है इसको स्किप कर दो, इसकी जगह 7.1 कर लो। 7.1 मेरे देखो आपके हिसाब से कोई भी चीज वर्क कर सकती है, मे भी आपको चैप्टर 6 की कुछ एक्सरसाइज बड़ी अच्छी आती हूँ वो कर लो, 6.5 आपको बड़ी अच्छी आती है मैं कहूंगा वो कर लो, एक लॉन्ग तो लाजमी निकलेगा उससे। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है आपके लिए बेस्ट क्या है, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, नॉर्मली बच्चों को 7.1 मुश्किल नहीं लगती, 3 मुश्किल लग रहा होता है। तो अगर आपका थोड़ा नीचे का लेवल है तो मैं कहूंगा 3 को छोड़ दो, 7.1 कर लो, लेकिन रिस्क है, आप 54 की तैयारी कर रहे हो, हल्का फुल्का मसला हो सकता है। तो 3 में आप 3.1 कर लो, एक तो सवाल निकलेगा 3.1 में से, इसमें से 3.1 कर ली, इसमें से 7.1 कर ली, बच जाओगे थोड़ा। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह आप करो तो आप आसानी से पेपर कोशिश करो कि 5 चैप्टर तो लाजमी करो, वरना ये जो मैंने बताया करो, बाकी जितना गुड़ डालो उतना अच्छा है। चैप्टर नंबर्स अगर आप 100 नंबर की तैयारी करना चाह रहे हो और फिर भी चैप्टर स्किप करना चाह रहे हो तो आप चैप्टर 6 के बगैर 100 नंबर ले सकते हो, चैप्टर 6 के बगैर 100 नंबर आप ले सकते हो, 2 क्वेश्चन चॉइस आपकी हट जाएगी लॉन्ग के अंदर, बाकी 1 क्वेश्चन आएगा आप छोड़ दो, इसी तरह चैप्टर नंबर आएंगे आप छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। चैप्टर नंबर 1 भी आप छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं होगा, क्यों, 9 से एक सवाल आएगा, 6 से एक सवाल आएगा, 1 से 2 सवाल आएंगे, तो 10 तो आपको ऑलरेडी बाकी भी अटेम्प्ट हो रहे ना। तो अगर आप इन 3 चैप्टर को छोड़ दो फिर भी 100 नंबर की आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन 1 बड़ा इजी है, छोड़ना बेवकूफी होगी उसके। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन 3 चैप्टर के बगैर भी आप 100 नंबर ले सकते हो। तो अब कहने का मतलब यह है कि जितना गुड़ डालो ना इसके अंदर उतने नंबर आपके इंक्रीज होने लग जाएंगे। ये जो मैंने 5 चैप्टर बताए ये 70 नंबर आपको दे रहे हैं, अब और गुड़ डालते रहो, 7.1 कर लो, 8.2 कर लो, 6.5 इंटीग्रेशन में देख लो, चैप्टर नंबर 9 कर लो, तो मजीद आपके अच्छे नंबर आते जाएंगे। तो ये अब आप में बैठ के देखना है कि आपको बेस्ट कौन सा लगता है। मैंने आपको मेन आइडिया क्लियर कर दी किस किस तरीके से आप यहाँ पे कर रहे हो। तो बच्चों मेरे ख्याल में काफी है, कुछ सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।